हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी और मेरी फेवरेट कंट्री पोर्टुगल की। पोर्टुगल जो है वो यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, यूरोपियन यूनियन में भी आता है और शेंगेन जोन में भी आता है। पोर्टुगल दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज़ में से एक है, बहुत सेफ है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है और इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी डेवलप्ड कंट्री में सेटल होने का, जहाँ पे जाके आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, तो मैं आपको पोर्टुगल रिकमेंड करूँगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टुगल के D7 वीज़ा की। अब पोर्टुगल को हम हिंदी में पोर्तगल भी बोलते हैं या पोर्तगाल भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं D7 वीज़ा की। D7 वीज़ा बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं या जिनकी पैसिव इनकम है। अब पैसिव इनकम रेंट से आ सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है। इसके अलावा रिमोट वर्कर्स भी D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। इनफैक्ट अभी जब मैं पिछले साल दिसंबर में पोर्टुगल गया था, तो हमारी अपने लॉयर से बात हो रही थी, तो मुझे ये आइडिया नहीं था, लेकिन रिमोट वर्कर्स या डिजिटल नॉमेड्स, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी अमेरिका में है और आप ऑनलाइन काम करते हैं और आपकी सर्टेन इनकम है, तो भी आप D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। या आपकी यूट्यूब से इनकम है या फेसबुक से इनकम है, तो भी आप D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि D7 वीज़ा होता क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल कौन है, इनकम रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, आपको D7 वीज़ा पर TRC कितने टाइम के बाद मिलती है, क्या आप D7 वीज़ा पर काम कर सकते हैं, आपकी फैमिली क्या आपको ज्वाइन कर सकती है, और PR आपको कितने टाइम के बाद मिलेगा, और पासपोर्ट कितने टाइम के बाद मिल सकता है D7 वीज़ा पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें मेरे वीडियोस के बारे में। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं D7 वीज़ा के बारे में। अब ये जो D7 वीज़ा है, इसको रिटायरी वीज़ा भी बोला जाता है। ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पेंशन आ रही हो, या बैंक में आपने डिपॉजिट किया हो, उसका इंटरेस्ट आ रहा हो, कोई डिविडेंड आ रहा हो। इसके साथ साथ अगर आप रिमोट वर्कर हैं, आप सपोज़ करिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं किसी अमेरिकन कंपनी के लिए या किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए या किसी ब्रिटिश कंपनी के लिए, तो भी आप D7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इनकम क्राइटेरिया पे भी आऊँगा, क्योंकि जो दूसरा सवाल है कि एलिजिबल कौन है। देखिए, एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है इसमें। इसमें मेन चीज़ है कि आपकी इनकम होनी चाहिए। अब इनकम कितनी होनी चाहिए, देखिए अब क्या है, पोर्टुगल में जो मंथली इनकम मिनिमम अब है वो है 705 यूरोस। यानी अगर हम बात करते हैं पूरे साल की, तो तकरीबन 8500 बन जाती है। यानी आपकी मिनिमम इनकम 8500 यूरोस होनी चाहिए, पैसिव इनकम। अब ये जो पैसिव इनकम है, ये कहाँ से आ सकती है? सपोज़ करिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं, उनसे आ सकती है, फिर मतलब उससे इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको रेंटल इनकम आ रही है, आप ये रेंटल इनकम चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आ रही हो या मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी से आ रही हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो पेंशन मैंने बोला, रेंटल इनकम हो गया, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, डिविडेंड आ रहा हो। इसके अलावा रिमोट वर्कर्स भी D7 वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। रिमोट वर्कर्स यानी जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हो गए या जो सोशल मीडिया से इनकम जनरेट करते हैं, ऐसे लोग। अब इसमें अगर एक इंडिविजुअल है, तो उसकी मंथली इनकम होनी चाहिए 705 यूरोस पर मंथ। अगर सपोज़ करिए हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम 705 और 352 को ऐड कर देते हैं, और अगर बच्चा है तो 212 यूरोस हो जाता है। आप स्क्रीन पे ये फिगर्स भी देख पा रहे हैं।
तो हम इमेजिन करें अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल है तो उसको चाहिए 705 यूरोस पर मंथ शो करने पड़ेंगे, यानी साल के 8,500 यूरो। अगर हम बेसिकली पूरे साल के दो जनों की बात करें तो ये हो जाता है 13,000 यूरो। और अगर आपकी सपोज करिए फैमिली है चार जनों की, तो आपको महीने का तकरीबन 1500 यूरो इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम, और साल की ये तकरीबन 18,000 यूरोस हो जाती है। अब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं 18,000 यूरोस की, ये तकरीबन 16 लाख रुपए साल की आपकी पैसिव इनकम होनी चाहिए इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ फोर। इफ़ यू आर सिंगल तो ये मैं आपको रुपए में बताता हूँ, यूरोस में अगर हम बात करते हैं तो ये इनकम होनी चाहिए 8,500 यूरोस। अगर मैं रुपए में इसको कन्वर्ट करने की बात करूँ तो ये तकरीबन बन जाता है 7.5-8 लाख रुपए साल की। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो इनकम साल की 12 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी महीने की 1 लाख रुपए। तो ये इनकम क्राइटेरिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। देखिए डॉक्यूमेंट ये प्रूव करते हैं कि ये इनकम कब से आ रही है, ये इनकम कम से कम 1 साल से आ रही हो। बेसिकली आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनको इनकम आ रही है पेंशन से या इंटरेस्ट से या रेंटल से। तो ये रेंट कम से कम 6 महीने से आ रहा हूँ, या जो इंटरेस्ट है कम से कम 6 महीने से आ रहा हूँ, डिविडेंट है ये कम से कम साल भर से आ रहा हूँ, 6 महीने की मैं माफ़ी चाहूँगा, जो डिविडेंट इंटरेस्ट या पेंशन है ये कम से कम 1 साल से आ रही हो, भले ही आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है, लेकिन ये इनकम कम से कम 1 साल से आ रही हो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर सपोज़ करिए आप रिमोट वर्कर हैं तो आपको अपनी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा जिसमें ये हो कि कम से कम 1 साल से आपको ये इनकम आ रही है और आपको अगले 1 साल तक ये इनकम आती रहेगी। एक और रिक्वायरमेंट है कि जो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो हो गया आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए 3 साल के, इसके साथ साथ आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ पैसिव इनकम या रिमोट जॉब से इनकम का 1 साल का प्रूफ चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट तो हो गए आपकी होम कंट्री से, आपको पोर्टुगल से भी डॉक्यूमेंट चाहिए। अब पोर्टुगल से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चाहिए पोर्टुगीज टैक्स नंबर, क्योंकि अब क्या हुआ है, अब ये ज़रूरी कर दिया है, मतलब अपॉइंटमेंट जब आप इंडिया में अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो आपसे पूछते हैं आप अपना पोर्टुगीज बैंक स्टेटमेंट भी दीजिए। तो आपको क्या करना है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको कम से कम साल भर की जो इनकम है वो डिपॉजिट करनी है। सपोज़ करिए आप इंडिविजुअल हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 9,000 यूरोज अपने पोर्टुगीज अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए D7 वीज़ा अप्लाई करने से पहले। और अकाउंट खोलने के लिए आपको टैक्स नंबर लेना पड़ेगा, ये जो टैक्स नंबर है और अकाउंट नंबर है ये आप बिना पोर्टुगल जाए भी खुलवा सकते हैं थ्रू अ लॉयर। अगर आपको वो सर्विसेज चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। और तो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट चाहिए अपनी होम कंट्री से, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पोर्टुगल से, आपको एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए जो प्रूफ करेगा कि पोर्टुगल में आपके पास एकोमोडेशन है, वो भी थ्रू अ लॉयर अरेंज की जा सकती है या रियल एस्टेट कंपनी के थ्रू ये अरेंज करना पॉसिबल है। अब एक बार जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो आप D7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी होम कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ। और आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री से, इसके साथ साथ आपको सैफ को अप्रूवल देना पड़ेगा कि वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उसमें मैं वो भी ऐड करके आपको बता रहा हूँ। अब एक बार जब ये आपको वीज़ा अप्रूव हो जाता है, जो वीज़ा होता है ये 120 डेज़ का होता है, इन 120 डेज़ में आपको पोर्टुगल जाना है और वहाँ पे लोकल इमिग्रेशन ऑफिस से अपना TRC कार्ड ले लेना है। ये जो TRC कार्ड आपको मिलता है पहली बार, इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो 1 साल अगर आप सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, आपके इनकम लेवल्स उतने हैं जो रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपकी TRC एक्सटेंड होती है 2 साल के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से 2 साल के लिए होगी, और जब आपको
5 साल हो जाते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब देखिए ऐसा है, तो इसमें क्या है, पहले आपको वहाँ की टीआरसी मिलेगी, उसके बाद आपकी फैमिली एलिजिबल होगी फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए। तो फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए आपको वही जो मैंने आपको बताया कि इनकम लेवल्स शो करने पड़ेंगे, एकोमोडेशन प्रूफ शो करना पड़ेगा, और क्या आप इस वीज़ा पे काम कर सकते हैं, ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, आप इस वीज़ा पे पोर्टुगल में काम कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आपको रेजिडेंसी चाहिए या रेजिडेंस परमिट को रिन्यू करवाना है, ये ज़रूरी है कि आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहें साल भर में, और 8 महीने से ज़्यादा पूरे पीरियड में, ये एक शर्त है अगर हम बात करते हैं रेजिडेंस परमिट रिन्यूअल की या आगे चल के पीआर प्रोसेस की। एक और चीज़ है, पोर्टुगल पे एजुकेशन फ्री है, तो आपके बच्चे फ्री में पोर्तुगीज स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और इनफैक्ट जब आप 5 साल के बाद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या नेशनलिटी के एलिजिबल हो जाते हैं, तब आपका पोर्तुगीज का लेवल A2 होना चाहिए, जो बहुत बेसिक है। तो मेरा ये भी रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप पोर्टुगल में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो पोर्तुगीज धीरे धीरे सीखना शुरू कर दीजिए, उससे आपको बड़े फ़ायदे होंगे। अगर आपके कोई और सवाल हैं D7 वीज़ा के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी सवालों के आंसर दे सकूं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, ये नंबर आप यूज़ कर सकते हैं मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।